Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students uh, students today we are going to start unit number 4 and this is page 19 the title of the unit is biscuits ok it's urdu meaning is Miti uh, takya ok uh, students uh, first i will uh, tell you that what is uh, in this short composition then we will read and explain and i will uh, write the meanings of difficult words ok

लोग मीन्स गांव में रहते थे ना विलेज़ में रहते थे और ज़्यादातर शहर की तरफ लोग नहीं जाते थे ज़माना इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था तो क्या होता था कि पीपल लिव्ड ऑन फॉर्म्स एंड फूड वाज ग्रोन एंड इट वाज केम फ्रॉम द यार्ड लोग जो थे वो क्या करते थे कि अपने खेतों में रहते थे और वहाँ पर वो चीज़ें उगाते थे और वही चीज़ें उनकी खुराक के लिए आती थी अब तो लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना पहले लोग बाज़ार ज़्यादा नहीं जाते थे ओके अपनी जिनके खेत होते थे ना तो उसमें ही चीज़ें क्या करते थे? उगाते थे कहते हैं कि के मिल्क क्रीम बटर एग्स ऑल दीस थिंग्स लाइक पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स ऑल दीज थिंग्स कैम फ्राम लैंडस ये तमाम चीज़ें जो थी ये कहाँ से आती थी ये उनके ज़मीनों से आती थी सही है ना एंड सम uh, क्या होता था कि समटाइम्स पीपल वट किल देर एनिमल्स लाइक शीप्स एंड चेकिस सही है ना आर दे गो फॉर फिशिंग बाज़ अव क्या होता था कि लोग जो जीते अपने जिनके जानवर होते थे जिस तरह की शीप्स हो गए या चिकन्स होते थे या वो क्या करते थे उनको ज़बा करते थे और वो खाते थे अपने लिए पकाते थे या जो है फ़िशिंग के लिए जाती थी मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे बिकॉज देयर वर नो सुपर मार्केट्स अब तो हमारे हाँ हमारे एरा में क्या है हमारे इस आ, ए, दौर में जो है बड़े बड़े मार्केट्स हैं सही है ना जमाना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है तो हर चीज़ जो है मौजूद है लेकिन पहले चूंकि ऐसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे कि अपने लिए खुद अपनी ज़मीनों में चीज़ें जो है ख़ुराक की चीज़ें थी वो काश्त करते थे लेकिन अब कहते हैं कि बिस्किट्स वर रियल ट्रीट अच्छा अब कहते हैं कि जो बिस्किट्स थे ना ये बहुत ज़्यादा क्या थे ना आ, बहुत आसान तरीका था इनको इनके बनाने का कि अब तो हमें ये पैकेट्स में मिलते हैं ना शॉप्स में पैकेट्स में होते हैं बंद होते हैं लेकिन पहले ये लोग घरों पर बना देते हैं एंड इट्स रेसिपी इज़ वेरी सिंपल इसका जो बनाने का तरीक़ा है इट इज़ वेरी सिंपल वो बहुत ज़्यादा क्या है आसान तरीक़ा है

बिस्किट्स बनाने में यूज़ करते हैं और उन सब की हम सेम अमाउंट लेते हैं मींस कि चारों चीज़ें जो है वो हम सेम आ, जो है एक जैसे मकदार में लेते हैं सो स्टूडेंट इसमें गिवन है कि समटाइम्स पीपल मेक मिस्टेक्स के लोग बात अवत क्या करते हैं गलती करते हैं लेकिन यहाँ पर है कि आप आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है सही है ना कॉशियस रहना है और क्या करना है कि बर्डर जो है मक्खन जो होता है ना उसको आपने लेना है बट इट शुड बी सॉफ्ट लेकिन ये सॉफ्ट होना चाहिए ओके बिस्किट्स बनाने के लिए फिर कहते हैं कि जो ग्रॉसर है अब ग्रोसर किसको कहते हैं ग्रॉसर उस शख्स को कहते हैं है जो ख़ुराक की चीज़ें क्या करता है बेचता है सही है ना ग्रॉसर इज़ अ पर्सन हु सेल्स फूड स्टफ्स जो खुराक की चीज़ें जो है वो बेचता है तो क्या क्या है कि जो ग्रॉसर होते थे ना तो आ, दे स्टॉक बिग बैग्स ऑफ फ्लावर एंड शुगर एंड टी उनके पास क्या होते थे कि बड़े बड़े बूरिया होती थी ना आटे की और शुगर चीनी की और चाय की सही है ना और जब लोग इनको ऑर्डर देते थे तो ये लोग क्या करते थे कि दे वो डिलेवर दीज ओके okay? कि जब लोगों को कोई चीज़ चाहिए होती थी तो इनको कहते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए तो ये उनके घर पहुंचाते थे फरोख करते थे अब कहते हैं कि एवरी थिंग वॉज होम कुकड हर चीज़ जो थी वो लोग घरों पर बनाते थे घरों में बनाते थे अब तो ज़्यादातर तो चीज़ें मार्केट में आपको वो मिलती है ना रेडीमेड मिलती है है okay, पहले लोग घरों में बनाते आ, एस, आ, जैसे कि ब्रेड हो गया स्कॉन्सकॉन्स जो है ये मीठी जो छोटे छोटे केक होते हैं उनको कहते हैं अच्छा एंड एप्पल टार्ट एप्पल टार्ट जो है जिस तरह हम सैंडविच बनाते हैं ना उसमें चीज़ें डालते हैं तो इस तरह ये लोग क्या करते थे कि एप्पल की टुकड़े लेकर उससे कुछ जैम वगैरह सा बनाते थे और वो उस सॉर्ट ऑफ सैंडविच होता था उसमें बंद करते थे सेकेंड आपने क्या करना है कि यू हैव टू चेक द टेम्परेचर ऑफ़ द अवन जिस अवन माइक्रोवेव अवन जो होता है स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट ओवन ओके दिस इज़ अवन जो अवन होता है जिसमें आप क्या करते हो बिस्किट्स बनाते हो तो यू शुड हैव टू चेक इट्स टेम्परेचर दैट इट शुड बी करेक्ट तो आपने इसका टेम्परेचर जो है वो चेक करना है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो सही है ना और फिर क्या करना है कि डोंट फॉरगेट अबाउट द बिस्किट्स आर विल बर्न और जब आप उसमें बिस्किट्स रख दो तो उसको टाइम टू टाइम आपने क्या करना है चेक करना है ताकि वो जल ना जाए सही है ना और फिर जब वन इट बिकम गोल्डन वे इट बिकम्स गोल्डन जब ये कलर में गोल्डन हो जाए दिन टेक दम आउट तो आपने क्या करना है इनको बाहर निकालना है सही ना एंड गिव दम फाइव मिनट रेस्ट बिफोर टेकिंग दम ऑफ ऑफ द ट्रे और इसको फिर ट्रे में रखने से पहले आपने क्या करना है कि इन बिस्किट्स को आपने फाइव मिनट्स तक ट्रे में uh, वो करना है सॉरी uh, बाहर निकाल कर उसको रखना है फाइव मिनट्स और फिर उसको ट्रे में सजाना है

ऑन फॉर्म्स underline the द वर्ड फॉर्म्स बहुत सारा अरसा पहले लोग कहाँ पर रहते थे अपने कैतों में रहते थे सही है ना लोगों की कैदें होती थी तो वो वहाँ पर अपने लिए घर बनाते थे एंड फूड वॉज ग्रोन underline the द वर्ड फूड एंड the word द वर्ड ग्रोन और ख़ुराक उगता था अब क्या है कि बहुत लॉन्ग अगो मैनी पीपल लिव्ड ऑन फॉर्म्स एंड फूड वास ग्रोन बहुत अरसा पहले लोग कहाँ रहते थे अपनी ज़मीनों अपनी कैदों में रहते थे और ख़ुराक जो है था वो उगाया जाता था फूड वाज ग्रोन खुराक को उगाया जाता था और या केम फ्राम द farmyard और या खुराक जो था वो कहाँ से आता था या तो खुराक को उगाया जाता था या वो फॉम कहते हैं अंडरलाइन दिस वर्ड फार्म यार्ड जो है केतु की साइड पे जो जगह होती है ना केतु की तरफ जो ज़मीनी होती है और तो वहाँ से ख़ुराक जो था आता था फॉर एग्ज़ाम्पल फॉम यार्ड वहाँ उस जगह को कहते हैं ना जहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स वगैरह जो होते हैं ना उनको आप क्या करते हो पालते हो फिर उनसे मिल्क लेते हो या उनसे फिर आप बडर एंड वो लेते हो ना एग्स लेते हो तो उसको कहते हैं फार्म यार्ड उस जगह को तो या तो खुराक को उगाया जाता था ज़मीनों में और या वो फार्म यार्ड से आता था ओके नेक्स्ट मिल्क दूध क्रीम बटर एंड एग्स अच्छा अब जो मिल्क होता है या जो क्रीम होता है ना या बटर उसको कहते हैं दिस इज़ नॉट बटर ओके स्टूडेंट्स दिस इज़ बटर मक्खन को कहते हैं एंड एग्स और अंडे अब ये चारों चीज़ जो है इनकी बात हो रही है कि ये कहाँ से आते थे स्टूडेंट्स मिल्क दूध क्रीम वो बलाई जो होती है या मलाई जिसको आप कहते हैं वो बटर मक्खन एंड एग्स और अंडे जो होते थे ऑल कैम ऑल कैम ऑल मीन्स ये तमाम फोर फोर जो अभी आपको बताया गया ना कि एग्स है बटर है मिल्क है क्रीम है तो ऑल इन सब की बात हो रही है कि ऑल कैम ये तमाम आते थे कहाँ से आते थे फ्राम द फॉम कहाँ से आते थे फॉम खेतों से आते थे किस तरह की तो से आते थे जाहिर है ना आप वहाँ पर खेतों में अपनी एनिमल्स जो थे वो पालते थे ना तो सही है ना तो जो गाय वगैरह होती है ना कॉज जो होती है तो वो आपको मिल्क देती है फिर उस मिल्क से आप क्या करते हो क्रीम वो और बटर जो है वो आप वो करते हो निकालते हो और एग्स जो है जिस तरह ये तो हिन्स वगैरह हो गई ना अच्छे हिन्सी तो ये सारे इनसे हम क्या लेते हैं एग्स लेते हैं तो ये चीज़ें जितने ये एनिमल्स होते हैं हम फॉर्म्स में कैदों तो में ही पालते हैं ना जो गाँव के लोग होते हैं तो वो इन जानवरों से अपने ये ये खुराक की चीज़ें लेते थे पोटैटोज़ एंड वेजिटेबल्स स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट वेजिटेबल ओके दिस इज़ वेजिटेबल ओके वेजिटेबल पोटैटोज़ एंड वेजिटेबल्स अब जो आलू होते थे और सब्जियाँ जो होती थी वो कहाँ से आते थे वर ग्रोन ऑन द लैंड्स अब उनको क्या किया जाता था ग्रोन उगाया जाता था ऑन द लैंड ज़मीनों पर अब जिनके खेत होते थे तो वो लोग क्या करते थे कि जो आलू होते थे सही है ना या जो दूसरी सब्जियां होती थी वेजिटेबल्स होते थे उनको क्या करते थे वो ज़मीनों में अपने खेतों में उसको उगाते थे पीपल वड किल देर ओन अच्छा अंडरलाइन दर्ड किल एंड अंडरलाइन दर्ड ऑन ऑन मीन्स अपना किल मीन्स कत्ल करना पीपल वुट किल देयर ओन शीप्स एंड चिकन्स शीप्स जो बेड होते हैं चिकन्स जो चूजे वगैरह होते थे ना सही है ना तो अब लोग क्या करते थे कि देर वुट किल देर ओन शीप्स एंड चिकन्स अब लोग जानवर पालते थे तो वो क्या करते थे कि अपनी जो बेड होते थे या चिकन्स जो होते थे उनको क्या करते थे जबा करते थे और उनको खाते थे और गो फिशिंग या माहिगिरी के लिए जाते थे अंडर लाइन वर्ड फ़िशिंग फ़िशिंग मीन्स मछलियाँ पकड़ना आर गो फ़िशिंग एफ आर गो फ़िशिंग एफ और या मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे अगर दे लेफ्ट नियर द सी ओके अंडरलाइन लाइन वर्ड नियर अंडरलाइन लाइन वर्ड सी तो लोग क्या करते थे कि या तो अपने जानवर जो होते थे उनको ज़िबा करते थे और या फ़िशिंग माहिगिरी के लिए जाते थे इफ़ दे लिव नियर द सी अगर वो दरिया के करीब रहते थे सी में समंदर को कहते हैं अच्छा तो जहाँ पर पानी होता था अगर लोग उसके करीब रहते थे तो क्या करते थे कि वहाँ पर जाते थे और अपने लिए मछलियाँ पकड़ते थे उनका शिकार करते थे और फिर उनको क्या करते थे अपने लिए पकाते थे और खाते थे देर वर नो बिग सुपर मार्केट्स अब कहते हैं कि देयर वर नो बिग सुपर मार्किट्स अंडरलाइन दर्ल्ड सुपर मार्किट्स अच्छा अब स्टूडेंट्स अब तो हमारे दौर में ना क्या है कि बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं सुपर मार्किट्स उन मार्केट्स को कहते हैं जहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ें मिलती है सही है ना तो हिस्टोरिकल एरा में पुराने ज़माने में देयर वर नो बिग सुपर मार्किट्स बड़े बड़े मार्केट्स नहीं होते थे कि लोग वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते थे तो लोग क्या करते थे कि अपनी जो नीड्स होते थे उनकी ज़रूरियात होती थे वो खुद पूरे करते थे तो क्या करते थे कि दे लिव्ड ऑन फॉर्म्स वो आ, अपने खेतों में रहते थे एंड फूड वाज ग्रोन आर इट केम फ्रॉम द यार्ड या तो खुराक को उगाया जाता था या फार्म यार्ड से आता था जहाँ पर जानवर वगैरह वगैरह जो थे वो पालते थे So, milk, cream, butter, and eggs, all these things came from the farm and uh, potatoes and vegetables. They were grown on their lands, or people would um, kill their own animals or they go for fishing because there were no supermarkets. Okay. Instead, the grocer would stock. Underline the word instead, underline the word grocer, and underline the word stock. इंस्टेट द ग्रॉसर वोट स्टॉक जब बल्कि जो ग्रॉसर मीन्स पसारी जो होता है जो चीज़ों को बेचता है सही है ना जो ख़ुराक चीज़ें उसके पास होती हैं फूड स्टफ़ और उसको वो क्या करता है उसको स्टोर करके फिर बेचता है तो ही वोट स्टॉक स्टॉक मीन्स जमा करना जखीरा बनाना बिग बैग्स आफ फ्लावर एंड शूगर एंड टी ओके वो क्या करता था बिग बैग्स बड़े बड़े तीलियाँ उसके पास होती थी बोरिया होती थी फ्लोर फ्लोर मीन्स आटा एंड शुगर चीनी एंड टी और चाय सो स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट फ्ला फ्लोर ओके दिस इज़ फ्लावर एफ एल ओ यू आर फ्लावर ओके आटे को कहते हैं तो वो क्या करता था कि जो ग्रोसर होता था वो इन चीज़ों को चाय को आटे को और चीनी को जमा करता था सही है ना स्टॉक्स में जख़ीरा बनाना जमा करना सही है तो इन चीज़ों को जमा करता था फिर बेचता था द ग्रोसर वो डिलेवर अंडरलाइन दर्ड डिलेवर डिलेवर का मतलब है ले आना बाहर निकालना फॉर एग्ज़ाम्पल वन यू स्पीक यू डिलीवर द वर्ड्स जब आप क्या करते हो बात करते तो आप अपने वर्ड्स को डिलीवर करते हो ना मुँह से निकालते हो ना तो डिलीवर मीन्स बाहर निकालना ले आना सो द ग्रोसर वो डिलीवर मोस्ट ऑर्डर्स अच्छा अब लोग उसको ऑर्डर्स देते थे सही है ना लोग उसको हुक्म देते थे यहाँ पर ऑर्डर्स का मतलब ये नहीं है कि हुक्म देना ऑर्डर्स का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो आप मींस अब तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ इस आ, एरा में इस दौर में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पिज़्ज़ा चाहिए होते हैं तो आप वहाँ पर जो शॉप होती है ना पिज़्ज़ा हट वग़ैरह आप वहाँ पर कॉल करके उनको ऑर्डर देते हो कि हमें ये चीज़ चाहिए सही है ना तो वो लोग आपको डिलीवर करते थे सो तो जो ग्रोसर होता था जो पसारी होता था वो उन चीज़ों को आटे को छीन को और चाय को जमा करता था बड़ी बड़ी बोरियों में और फिर जब लोग उनको ऑर्डर देते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए तो वो उनको डिलीवर करता था उनके लिए ले आता था एवरी थिंग वॉज एवरी थिंग मीन्स अंडरलैंड दिस वर्ड एवरी थिंग एवरी थिंग मीन्स मीन्स हर एक चीज़ सो एवरी थिंग वॉज होम कुकड होम कुक मीन्स घर पर बनाया हुआ हर एक चीज़ जो थी वो घर पर बनाई जाती थी आजकल तो हम बाज़ार से तैयार चीज़ें मंगवाते हैं ना लेकिन पहले चूँकि सुपर मार्केट्स नहीं थे और इतनी ज़्यादा सहूलियत भी नहीं थी ज़माना इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था तो लोग क्या करते थे कि अपने लिए खुद चीज़ें जो थी वो घर पर बनाते थे जैसा कि ब्रेड रोटी सही है ना अब हम बाज़ार से बन वो, वो ले आते हैं ना लेकिन लोग घर पर बनाते थे ब्रेड में स्टूडेंट्स ये हम जो डबल रोटी वगैरह खाते हैं ना ये भी आता है ब्रेड में ओके okay? तो वो वाले ब्रेड हो गए स्कॉन्स स्कॉन्स जो है ये कहते हैं मीठे केक को छोटे छोटे जो केक होते हैं इसको हम कहते हैं स्कॉन्स एंड लवली एप्पल टार्ट्स एप्पल टाट सब किस चीज़ को कह देते हैं छोटा इट्स इज़ सॉर्ट ऑफ पाई दैट इज़ फिल्ड विद एप्पल एंड शुगर एक पाई मीन समोसा जिस तरह हम सैंडविच बनाते हैं और उसके अंदर हम चीज़ें डालते हैं ना उसके मेड में तो इसी तरह एक समोसा टाइप होता था उसमें क्या करते थे कि एप्पल जुता सेब जुता इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर चीनी को इसके साथ मिक्स करके और चीज़ों को उसके साथ मिक्स करके उसमें बंद करते थे सही है ना और वो लोग बनाते थे तो उसको एप्पल टार्ट कहते थे तो कहते कि एप्पल टार्ट जो हो गए स्कॉन्स हो गए या हमारे पास ब्रेड हो गए सब क्या थे होम कुकड थी ये चीज़ें घर पर बनाई जाती थी नौ no, बिस्किट्स uh, अब बिस्किट्स की बात हो रही कि बिस्किट्स किस तरह बनाए जाते थे बिस्किट्स वर रियल ट्रीट ट्रीट अंडरलाइन दिस वर्ड मज़े की चीज़ अब बिस्किट जो थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ थी कि वो किस तरह बनाई जाती थी और लोग उसको कितना पसंद करते थे और किस तरह बनाते थे सही है ना? नेवर बॉट इन पैकेट अब स्टूडेंट्स आजकल हमको बिस्किट्स जो है वो शॉप्स में मिलते हैं पैकेट्स में बंद सही है ना? तो यहाँ पर बात हो रही कि बिस्किट जो थे नेवर बॉट इन पैकेट कभी भी पैकेट में नहीं होते थे सही है ना बिस्किट्स कभी पैकेट्स में नहीं होते थे नेवर बॉट इन अ पैकेट कभी पैकेट में नहीं मिलते थे आज़ाद मिलते थे बट लेकिन मेड एट होम घर पर बनाए जाते थे बट मेड एट होम लेकिन वो घर पर बनाए जाते थे तो लोग ज़ाहिर है उसको फिर पैकेट्स में कवर नहीं करते थे उसको हेयर इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी रेसिपी मीन्स नुस्खा अंडरलाइन दिस वर्ल्ड हेयर इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत आसान तरीक़ा है बहुत आसान नुस्खा है किस चीज़ का फॉर बिस्किट्स बिस्किट्स बनाने के लिए हमारे पास अब क्या है कि बहुत आसान तरीक़ा के तरीक़ा है कि बिस्किट्स जो है इनको बहुत ज़्यादा आसानी से बनाया जाता है कुक किया जाता है इनको अच्छा बैक किया जाता है ओके स्टूडेंट्स यू आर डन विद पैरा नंबर फर्स्ट नोकम एंड राइट इट्स मीनिंग ओके सो वर्ड्स मीनिंग्स है वेरी फर्स्ट इज़ लेफ्ट लेफ्ट मीन्स रहते थे सेकंड फॉर्म ऑफ लेफ्ट ओके लेफ्ट रहते थे सेकंड वन इज़ फार्म्स फार्म्स मीन्स खेत जहाँ पर लोग काश्त की चीज़ें उगाते हैं काश्त करते हैं सब्जियाँ वगैरह ग्रोन थर्ड वन इज़ ग्रोन ग्रोन मीन्स उगाना सही है ना ग्रो ग्रोन, आव, ग्रो ग्रोनो कैथर्ड फॉर्म ऑफ ग्रो फोर्थ वन इज़ फार्म यार्ड फार्म यार्ड मीन्स कैथ का इलाका फिफ्थ वन इज़ क्रीम क्रीम मीन्स मलाई या भलाई जिसको कहते हैं जो आप दूध से निकालते हो सिक्स वन इज़ बटर बटर मीन्स मक्खन सेवंथ वन इज़ वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ एट्थ वन इज़ पोटैटोज पोटैटोज मीन्स आलू नाइन्थ वन इज़ लैंड लैंड मीन्स काश्त की ज़मीन जो होती थी टेंथ वन इज़ किल किल means मारना कत्ल करना इस यहाँ पर किल का मतलब है जबा करना एलेवंथ वन इज़ ओन ओन मीन्स अपना या ख़ुद का जो चीज़ आपकी अपनी हो सही है ना फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आई केल्ड माई ओन डॉग मैंने अपने कुत्ते को कत्ल किया ट्वेल्थ वन इज शीप्स शीप्स मीन्स भेड़ जो होते हैं थर्टीन वन इज चिक चिकन मीन्स चूजे। फोटीनथ वन इज़ फ़िशिंग फ़िशिंग मीन्स माहिगीरी करना या मछली का शिकार करना फ़िफ्टी वन इज सी सी मीनस समंदर जहाँ पर पानी होता है सिक्सटीथ वन इज सुपर मार्किट सुपर मार्किट्स का मतलब है बड़े बड़े बाजार सेवनटीनथ वन इज़ इंस्ट्रेट इंस्ट्रेट मीन्स इसकी जगह सही है ना किसी चीज़ का बदल जो होता है हम कहते हैं न इसकी जगह तुम ये काम करो सही है ना द एटीन वन इज़ ग्रोसर ग्रोसर मीन्स पसारी जो चीज़ों को बेचता है खुराक की चीज़ों को या नाइन्टीन वन इज स्टॉक स्टॉक मीन्स जमा करना या जखीरा करना ट्वेंटियथ वन इज़ फ़्लावर फ्लावर मीन्स आटा ट्वेंटी फर्स्ट इज़ शुगर शुगर मीन्स चीनी ट्वेंटी सेकेंड इज टी टी मीन्स चाय ट्वेंटी थर्ड इज़ डिलीवर डिलीवर मीन्स सुपर्द करना हवाले करना ट्वेंटी फोर इज़ ऑर्डर्स ऑर्डर मीन्स फरमान या हुक्म ट्वेंटी फाइव इज एवरी थिंग एवरी थिंग मीन्स हर एक चीज़ या सब कुछ ट्वेंटी सिक्स इज़ होम कोकड होम कोक मीन्स घर पर बनाई हुई एंड या घर पर पकाई हुई ट्वेंटी सेवन इज ब्रेड ब्रेड मीन्स रोटी या नान ट्वेंटी एट इज स्कॉन्स स्कॉन्स मींस छोटे मीठे केक जो होते हैं जो मीठे केक होते हैं छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं स्कॉन्स ट्वेंटी नाइन एज ट्रीट ट्रीट मीन्स मज़ा या लुफ़ थर्टियत वन इज बॉट बॉट मीन्स ख़रीदा हुआ बाय बॉट बॉट द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय थर्टी फर्स्ट इज़ पैकेट पैकेट को हम कहते हैं छोटी कटरी जो होती है जो पैकेट्स होते हैं जिसमें आपको चिप्स या बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं और थर्डी सेकेंड इज रेसिपी रेसिपी मीन्स नुस्खा बनाने का तरीका